नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नवरात्रि के समय आयोजित होने वाले गरबा डांस में गैर हिंदू युवकों पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गरबा आयोजनों के दौरान और बाद में दूसरे धर्म के लोगों द्वारा लड़कियों के शोषण की शिकायत आती है। लब जिहाद के तरीके अलग अलग, लेकिन उद्देश्य एक है, केवल महिलाओं को फांसना। हिंदू त्योहारों और अन्य सांस्कृतिक त्योहारों का आयोजन, जैसे नवरात्रों में गरबा डांडिया खेलना हो या सामूहिक व्रत और आरतियां करना हो, इनमें अब बहुत आसानी से उन हिंदू पंडालों में दूसरे धर्म की उपस्थिति होने लगी है। जैसे गरबा डांडिया का आयोजन होगा तो बहुत से दूसरे धर्म के युवा हिंदू नाम रखकर उसमें भाग लेते हैं एवं हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करते हैं। कितनी ही बड़ी बड़ी सोसाइटी वाले गरबा का आयोजन करवाते हैं, जिसमें हिंदू अपनी बेटियों को गरबा क्लास में भेजते हैं। अब तो गैर हिंदू लड़के रीवा संभाग के जिलों में या बड़े नगरों में गरबा सीखने वाले काम में घुसने लगे हैं। आइए सुनाते हैं उक्त मामले को लेकर पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या कहा। हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि जितनी भी गरबा समितियाँ हैं जो गरबा का आयोजन कराती हैं नगर में और जिले में, तो प्रायः देखा गया है कि गरबा होने के बाद लव जिहाद की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है और उनसे आश्वासन लिया है कि जितनी भी गरबा समितियां हैं उनमें गैर हिंदू लोगों का प्रवेश निषेध करें, ख़ास तौर पर मुस्लिम लोगों का, क्योंकि मुस्लिम लड़के प्रायः नाम बदल कर आते हैं, हिंदू नाम रख कर आते हैं, गरबा में उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद उनके संपर्क में आते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनको लेकर भाग जाते हैं। बाद में इसमें लव जिहाद की घटनाएं आती हैं, उसे शादी करते हैं झांसा देकर और उनको छोड़ देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो जब भी गरबा समाप्त होता है या गरबा के दौरान ही कई बार हिंदू परिवारों से लोग हम लोग के पास में आते हैं, बजरंग दल के पास में, और आके अपनी शिकायत करते हैं कि हमारी लड़की ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में भाग गई है, उसने बहला फुसला के भगा ले गया है, प्रताड़ित कर रहा है। तो ऐसी घटनाएँ ना हो, इसके लिए हमने उनसे आश्वासन लिया है और उन्होंने आश्वासित किया है कि वो जो भी गरबा समितियां हैं उनको आदेशित करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो, तो गैर हिंदू कोई भी वहां पे प्रवेश ना करे। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मूल विषय यह है कि गरबा जैसे जो हमारे कार्यक्रम हैं, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें किसी प्रकार का विधान करने वाले कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार प्रवेश ना करें, उस हेतु उन लोगों ने ज्ञापन दिया है। और उनसे चर्चा के पश्चात हमने ये भी बताया है कि हम लोग आयोजकों से बात करेंगे, जो भी संबंधित थाना क्षेत्र में आयोजक हैं उनको ये मैसेज किया जाएगा कि आप लोग भी इसे ध्यान रखें कि हमारे इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों का प्रवेश ना हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे संपन्न हो, किसी प्रकार का विधान उत्पन्न ना हो।